Hello lovely people, this is your friend Ronata and welcome back to my channel Ministry of Happiness. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ डेकोपाज करने का तरीका। आपने मेरे बहन के रूम के मेकओवर वीडियो में देखा था कि मैंने एक टेबल पर डेकोपाज किया था और मैंने उस वक्त बताया था कि मैं आपको डेकोपाज करने का तरीका एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी। सो हाजिर है आप सबके लिए डेकोपाज करने का ईजी तरीका। वैसे तो फेस्टिवल्स के दौरान जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कि हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं। इस साल शायद कोरोना के वजह से कुछ कम लोग आए, पर लोग आना बंद नहीं होंगे और उनका स्वागत करना भी बंद नहीं होगा। तो मुझे जो टेंशन होती है वो ये है कि जब लोग आते हैं तो इतने सारे लोगों को मैं खाना कैसे सर्व करूं, या किस में सर्व करूं, या सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उसको या पानी किस पे मैं सर्व करूं। और जो सबसे सोचने वाली बात ये होती है कि कुछ इस तरह से सर्व करूं कि वो इम्प्रेसिव हो। वैसे तो हम ट्रे यूज़ करते हैं और मैं भी वही करूँगी, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर उस नॉर्मल से ट्रे पे कुछ झलक दिखला दिया जाए। तो जो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ वो है ये एक वुडन ट्रे। इसे मैंने शांतिनिकेतन ट्रिप से जो खोवाई का हाट था वहाँ पे लिया था। जैसा मैंने कहा था वो एक हैंडलूम वाला मेला था, तो वहाँ पे इस तरह के सामान बहुत मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ट्रे है जो एक फ़िश की शेप में है। मैं उस पर फ़िलहाल कुछ करने नहीं वाली हूँ, पर इस पर दिमाग में कुछ चल रहा है वो मैं करने वाली हूँ। तो इस पर मैं अब करने वाली हूँ मैजिक, और आप देखेंगे वो कैसे होगा। इस वुडन ट्रे पर डेकोपाज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कुछ प्रिंट आउट पेपर्स। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम फ्लोरल प्रिंट्स ले लिए हैं। अगर आप चाहे तो टिश्यू पेपर या फिर राइस पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे पर हैंडल लगाने के लिए मैंने दो छोटे छोटे स्टील वाले हैंडल ले लिए हैं, जिनको मैं इन स्क्रू की मदद से लगा दूंगी। और फाइनली इस डेकोपाज को कंप्लीट करने के बाद बार्निश के साथ इसे सील कर देंगे। इन डेकोपाज पेपर्स को इस वुडन ट्रे पे लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़े से पानी और एक ब्रश का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ऐसे हैंडल्स किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे और इनके स्क्रूज़ भी। यहाँ पर मैंने इन हैंडल्स को एक ड्रिलर मशीन की मदद से इसके साथ लगा लिया है, जो अभी काफ़ी स्टर्डी हो चुका है। इस पे आप अच्छा वेट दे सकते हैं। अब शुरू करते हैं डेकोपाज का काम। डेकोपाज करने के लिए मेरे पास राइस पेपर या टिश्यू पेपर थे नहीं, तो मैंने कुछ ऐसे अच्छे प्रिंट्स को मैंने इमेजेस को ऐसे पेपर पे प्रिंट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले सेलेक्ट करने वाली हूँ डिज़ाइन। मुझे लगता है ये वाला डिज़ाइन बहुत ही अच्छा जाएगा इस स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इसमें एक एजेस वाला पार्ट है, तो मैं इसको एज टू एज लगा सकती हूँ। अब सबसे ट्रिकी पार्ट पर सबसे इजी पार्ट, इस पेपर को आपको इस तरह से काटना है कि ये बहुत ही एक नेचुरल सा फिनिश लगे। तो उसके लिए जो मैं करने वाली हूँ वो है, मैं यहाँ पे थोड़ा पानी लेने वाली हूँ और इस पानी को मैं एक ब्रश की मदद से इस पिक्चर के एजेस पे लगा लूँगी। ध्यान में रखना है कि डेकोपाज का जो प्रिंट है वो एक्चुअली एक हैंड पेंटेड इमेज को कॉपी करता है या रेप्लिका करता है। सो इसलिए हमें कभी इसे सीजर्स के मदद से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत ही फाइन एज आ जाएगा जो आपकी इमेज को एक अच्छा लुक नहीं देगा। अब मैं इसे धीरे धीरे हाथ से फाड़ूंगी। जैसा कि आप देख सकती है आराम से फट के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना इजीली ये आ जा रहा है इसके स्ट्रक्चर में। अब इस फाइन एजेस को थोड़ा सा हम फाइन ट्यून कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट मेरे डिज़ायर स्ट्रक्चर में आ चुका है। सो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं चाहूँ तो इसको मैं और थोड़ा सा फाड़ सकती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे प्लेट के डिज़ाइन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इसे मैं और डिज़ाइन स्ट्रक्चर देने के लिए थोड़ा सा इस तरफ से ऐसे काट लूँगी। और अब फाइनली ये आ चुका है मेरे डिज़ायर्ड शेप एंड डिज़ाइन में। अब इसको यहाँ पे हम डेकोपाज करेंगे और इसके बाद का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मॉटवॉच की मदद से इस पेपर को मैं यहाँ पे पहले स्टिक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है ताकि ये फिसल ना जाए। ध्यान में रखिएगा जब आप इसके ऊपर से मॉटवॉच लगा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में लगाएं, वरना ये फट भी सकता है। मॉटवॉच लगाने के बाद इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें। कोशिश करें कि इस तरह के बबल्स को क्लियर कर दिया जाए। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं डेकोपाज का पेपर चिपकाने के बाद ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही फेक सा लुक आएगा। जो कंक्लूजन है डेकोपाज करने का वो ये है कि ये दिखने में बिल्कुल एक हैंड पेंटेड पीस की तरह लगे। सो अब जो मैं करने वाली हूँ इन पेंट्स की मदद से मैं इसके जो आउटलाइंस है एंड यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग पार्ट ड्रॉ कर दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर वाटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या पोस्टर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिंस ये वुडन स्ट्रक्चर है, एक वुडन पीस है, तो इस पर मैं फैब्रिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कलर जितना पतला होगा उतना ही इसका लुक नेचुरल आएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर जितना मैं पतला रख सकूँ कलर को। आपका जो कलर है वो आपके पेंटिंग के बाहर ऑब्वियसली जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, और अगर वो बाहर जाएगा तो ही वो निखर के आएगा। पर ध्यान में ये रखना है कि जितने भी वाइट पार्ट्स है वो ढक जाए। सो पेंटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने रखेंगे और इसके बाद इस पेंटिंग को सील करने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे वार्निश। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वुड वार्निश। वार्निश करने से आपका ये जो आर्ट पीस है या ये जो पेपर वर्क है ये पूरी तरह से सील हो जाएगा। इस पर अगर इसके बाद अगर मेहमानों को खाना सर्व करते वक्त कुछ गिर भी जाता है तो इससे आपका जो पेंटिंग है वो ख़राब नहीं होगा। और सबसे ख़ास बात, सिंस ये एक वुडन पीस है तो वुड वार्निश करने से इस पर एक ग्लॉसी फिनिश भी आ जाएगा जो आपके ट्रे पे एक अलग ही चार चांद लगा देने वाला है। और ये हो गया है इस वुडन ट्रे पे डेकोपाज का काम सील्ड। सो ये था फेस्टिव सीजन के लिए हैंड पेंटेड डेकोपाज ट्रे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।